अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान से शियाप के लिए एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। हिंदुस्तान से निकल के पाकिस्तान के बॉर्डर पर आते ही किस तरह स्वागत किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको हम बताएंगे। और शियाप बॉर्डर पार करके जब पाकिस्तान में इंटर होंगे तो इनका किस तरह इस्तकबाल किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देखिए। दोस्तों, आज शियाप को केरला से पैदल मक्का मदीने का सफ़र करते हुए 83 डेज हो चुके हैं, यानी 3 महीने के करीब। और अल्लाह ने इन्हें इज्जत और लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाली है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। यह ना तो कोई सेलिब्रिटी है और ना ही कोई एक्टर है और ना ही कोई पॉलिटिशियल लीडर है, लेकिन शियाप ने तो बस अल्लाह की राह में पैदल हज करने का इरादा किया था। तो अल्लाह ने किस तरह इज्जत अता फरमाई, जहाँ से गुजर रहे हैं हज़ारों की तादाद में लोग इनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और दोस्तों, जब शियाप बॉर्डर पर पाकिस्तान में दाखिल होंगे तो लोगों ने पहले से ही तैयारियां कर रखी है। एक बड़ी तादाद में वहां के पॉलिटिशियल लीडर्स और मजहबी रहनुमा इनका इस्तकबाल करेंगे। शियाप फिर पाकिस्तान से होते हुए ईरान, फिर इराक, फिर कुवैत के रास्ते होते हुए सऊदी अरेबिया पहुंचेंगे। इनका ये सफ़र तकरीबन 280 दिन के करीब का होगा। दुआ है कि अल्लाह शियाप के सफ़र में आसानी फरमाएँ और अल्लाह इनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।